हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 14 सितंबर 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने चाहिए, टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पीडीएफ आपको एक साथ मिल सकती है। नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। लास्ट में हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जिनका आपको आंसर करना होगा। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन शुरू करने से पहले कल एक क्वेश्चन में डाउट आया था, पहले वो मैं क्लियर करना चाहूँगा। कल मैंने आपसे कहा था कि इंडिया में जो लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो आंध्र प्रदेश है। सो ये एक डाटा था दैट वॉज रिलीज बाई फिशरीज स्टेटिक्स, इनकी तरफ से डाटा आया था इन सेप्टेम्बर 2019 में। और इस डाटा के अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश वॉज द टॉप फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट। बट अभी रिसेंटली जुलाई 2020 में एक और डाटा आया है, और ये डाटा आया है बाई सेंट्रल फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये इनकी एक रिपोर्ट आई थी इन जुलाई 2020, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस वक्त जो लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट है दैट इज़ तमिलनाडु। सो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं अगर करंट की बात की जाए तो इस वक्त करंट में तमिलनाडु लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट है, और ये पिछले साल की बात है जो मैंने आपको आंध्र प्रदेश की बात कही थी। बट फिर भी एक बात आपको यहाँ ख्याल रखनी है, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि फिशरीज स्टेटिक के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है, तो उसमें आपको फिर बताना पड़ेगा आंध्र प्रदेश। और अगर करंट पूछा जाए कोई किसी एजेंसी का नाम ना हो तो वहाँ आपको बताना है तमिलनाडु। सो ये आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, ये एक डाउट था जो मैं क्लियर करना चाहता। नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हिंदी दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सो हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? बिकॉज ऑन 14 सितंबर 1949 इस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया थी, इट अडॉप्टेड हिंदी रिटन इन देवांगरी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। सो इसलिए अब इस डे को एज ए हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज गोइंग टू बी द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ ASCI? हाल ही में ASCI के नए अध्यक्ष कौन बनने जा रहे हैं? सो सुभाष कामनाथ ही इज गोइंग टू बी द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ ASCI। अब ASCI की बात है तो ASCI देखते हैं क्या है। द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, यह है इसकी फुल फॉर्म। फाउंडेड इन 1985, हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में। रोहित गुप्ता इसके करंट चेयरमैन। नाउ सुभाष कामनाथ इज गोइंग टू बी द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ ASCI। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी विल होस्ट एशियाज लार्जेस्ट एरो शो एरो इंडिया 21? कौन सा भारतीय शहर एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 21 की मेज़बानी करेगा? सो बेंगलोर इज गोइंग टू होस्ट द 13th एडिशन ऑफ एरो शो एरो इंडिया 21। ये शो होगा इन बेंगलुरु कर्नाटका फ्रॉम 3rd to 7th February 2021। और इसीलिए रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर जो इंडिया के हैं राजनाथ सिंह लॉन्च द एरो इंडिया 2021 वेबसाइट। सो नई वेबसाइट भी अभी रिसेंटली लॉन्च की है, aeroindia.gov.in एट न्यू दिल्ली ऑन 11 सितंबर। और इसमें पूरी एरो इंडिया से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट पर मिल सकती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेलिब्रिटी एडवोकेट ऑफ यूनिसेफ इन इंडिया? हाल ही में किसे भारत में यूनिसेफ के सेलिब्रिटी वकील के रूप में नियुक्त किया गया है? सो रिसेंटली आयुष्मान खुराना हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेलिब्रिटी एडवोकेट ऑफ यूनिसेफ इन इंडिया। अभी वर्ल्ड में जो चिल्ड्रन के अगेंस्ट वायलेंस होता है उसको ख़त्म करने के लिए एक कंपेन लॉन्च की गई है जिसका नाम है फॉर एवरी चाइल्ड, और ये लॉन्च की है यूनिसेफ ने। तो इसको प्रमोट करने के लिए आयुष्मान खुराना को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज ए सेलिब्रिटी एडवोकेट। सो ये हैं आयुष्मान खुराना। सो अभी कुछ दिन पहले हमने इनके बारे में पढ़ा था कि इनको बजाज आलियांज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया था, अब यूनिसेफ ने इनको सेलिब्रिटी एडवोकेट अपॉइंट किया है। तो यूनिसेफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। यूनिसेफ द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ये एक यूनाइटेड नेशंस एजेंसी है, और ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोवाइडिंग ह्यूमनिटेरियन एंड डेवलपमेंटल एड टू चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड
फॉर्मेशन हुई थी इसकी दिसंबर 1946 में, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट्स में, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इसके हेनरिटा एच फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन एबीसी। हाल ही में किसे ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन एबीसी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सो दविंद्र दादरा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन एबीसी। अब ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए चेयरमैन बने हैं, तो देखते हैं ये क्या है। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ये एक नॉन प्रॉफिट सर्कुलेशन ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इट वॉज फाउंडेड 1948, हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में। मधुकर कामनाथ हैं इसके पहले चेयरमैन थे, अब इनकी जगह दविंद्र दादरा इनको अपॉइंट किया गया है एज न्यू चेयरमैन ऑफ ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। सो पहले मधुकर कामनाथ थे, अब इनकी जगह अपॉइंट किया गया है दविंद्र दादरा। बाकी के नाम भी देख लेते हैं। अनिल जैन अभी रिसेंटली बने हैं ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, और वेंकटेश गुलाटी ये हैं प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, और ये भी अभी रिसेंटली इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द फाइव स्टार विलेज स्कीम इन विच स्टेट। हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने किस राज्य में फाइव स्टार विलेज योजना शुरू की है? सो रिसेंटली इन महाराष्ट्र इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस द फाइव स्टार विलेज स्कीम इन महाराष्ट्र। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, और इसके थ्रू रूरल एरियाज़ के हर एक गाँव तक ये पोस्टल सर्विसेज अब पहुँचाई जाएंगी। अभी रिसेंटली इसकी शुरुआत की गई है फ्राम महाराष्ट्र। अब इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने शुरू किया है, तो इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ये एक गवर्नमेंट ऑपरेटेड पोस्टल सिस्टम है इंडिया में, और इट वाज फॉर्म्ड इन अक्टूबर 1854। हेडक्वार्टर इसका संसद मार्ग न्यू दिल्ली में। मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है रविशंकर प्रसाद, जो इस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, और अरुंधति घोष ये इसके करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन पोस्ट। और इंडियन पोस्ट से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि इंडिया का जो फर्स्ट फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस ये शुरू किया गया था इन श्रीनगर ऑन द डल लेक, यानी डल लेक के ऊपर ये फर्स्ट फ्लोटिंग ऑफिस ऑफ द कंट्री शुरू किया गया, और ये शुरू किया गया था इन 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट बिल्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अंडरपास। हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा अंडरपास बनाया है? अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट अंडरपास बनाया है, और ये जो अंडरपास है ये बनाया गया है पेंच टाइगर रिजर्व में। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, आपने सुना होगा नाम, उसके बीचों बीच ये अंडरपास बनाया गया है, और ये टोटल इसकी जो लेंथ है वो है 16 किलोमीटर्स, और इस अंडरपास में जानवरों के निकलने के लिए भी स्पेस दिया गया है, और इसमें सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं कि यहाँ से जो भी जानवर निकले वो कैमरे में उसको कैद किया जाए। और ये अंडरपास बनाया गया है नेशनल हाईवे 44 के ऊपर, और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा, जो नेशनल हाईवे 44 था इसका नाम था पहले नेशनल हाईवे 7, अब इसका नाम चेंज करके रखा गया है नेशनल हाईवे 44, और ये जो नेशनल हाईवे 44 है ये इस वक्त इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल हाईवे है, और ये शुरू होता है फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी। सो इस वक्त इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल हाईवे यही नेशनल हाईवे 44 है, और इसी पे अब ये वर्ल्ड लार्जेस्ट अंडरपास बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट टॉप द स्टार्टअप रैंकिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। हाल ही में किस राज्य ने केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में टॉप किया है? तो रिसेंटली गुजरात टॉप्ड द स्टार्टअप रैंकिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सो इन द सेकेंड एडिशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT स्टेट्स, इसमें जो स्टार्टअप रैंकिंग इन्होंने रिसेंटली जारी की, और इसमें गुजरात ने रिटेन किया इट्स बेस्ट परफॉर्मर टैग इन द कंपटीशन। इस रैंकिंग में जो बेस्ट परफॉर्मर है वो रही है गुजरात।
इसमें 22 स्टेट्स और 3 यूटीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, और इसमें बेस्ट परफॉर्मर इन स्टेट रही गुजरात, और यूटी में जो बेस्ट परफॉर्मर है वो रही अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और टॉप परफॉर्मर इसमें रही थी कर्नाटका एंड केरला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया, यूएसए एंड विच कंट्री हैव डिसाइडेड टू डेवलप 5G टेक्नोलॉजी टुगेदर। हाल ही में भारत, अमरीका और किस देश ने मिलकर 5G तकनीक के विकास का फैसला किया है? सो रिसेंटली इंडिया, यूएसए एंड इसराइल हैव डिसाइडेड टू डेवलप 5G टेक्नोलॉजी टुगेदर। अब इसराइल के साथ मिलकर इंडिया और यूएसए 5G टेक्नोलॉजी बनाएंगे। तो इसराइल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। सो इसराइल ये कंट्री है इन द वेस्टर्न एशिया, लोकेटेड ऑन द साउथ ईस्टर्न शोर ऑफ मेडिटेरेनियन सी। सो देखते हैं इसकी लोकेशन ग्लोब पर। सो ग्लोब में यह है इंडिया, ये है सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया के साथ में बिल्कुल यहाँ पे ये है इसराइल, येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है इस यहाँ पे इसराइल। तो यह है इसराइल, कैपिटल यहाँ की यरूशलम, प्रेसिडेंट यहाँ के रुवन रिवलिन, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू, करेंसी यहाँ की न्यू शेकल। सो अगर रिलीजन की बात की जाए एज़ पर 2019 सेंसस, तो यहाँ 74.2% है जोधिज़्म, 17.8% है इस्लाम, और 2% यहाँ क्रिश्चियनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड इंडियाज बिगेस्ट पिगरी मिशन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया? सो मेघालय स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज बिगेस्ट पिगरी मिशन, और इस पर जो आउटले वो है ₹209 करोड़, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है स्वागत इंडिया एनवली जो पोक है, यानी इसका पिक का गोश्त, उसको पोक कहते हैं। तो इसका इस वक्त जो इम्पोर्ट होता है एनुअली वो ₹150 करोड़ का इम्पोर्ट होता है। सो इस इम्पोर्ट को रिड्यूस करना एंड मेक द मेघालय सेल्फ सफिशिएंट, दैट मींस आत्मनिर्भर इन पोक प्रोडक्शन ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। सो ये है इसका मेन एम, इसलिए इंडिया का ये बिगेस्ट पिगरी मिशन लॉन्च किया गया है इन द मेघालय। अब मेघालय में लॉन्च है तो मेघालय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। ये एक हिली स्टेट है इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, और ये मेघालय ये एक संस्कृत वर्ड है, दैट मीन्स द एडोब ऑफ क्लाउड्स। मेघालय ये प्रीवियसली पार्ट थी आसाम का एक हिस्सा थी मेघालय, बट ऑन 21 जनवरी 1972 इसे कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे खासी, गारो एंड जयंता हिल्स बिकेम द न्यू स्टेट ऑफ मेघालय। कैपिटल यहाँ की शिलांग, और गवर्नर यहाँ की सत्यपाल मलिक, चीफ मिनिस्टर यहाँ के कॉनराड संगमा। तो मेघालय जिस ये वन ऑफ द 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया है एंड इट्स फेमस फॉर इट्स हाई रेनफॉल। मेघालय में एक विलेज है जिसका नाम है मैसिनरम, ये एक विलेज है इन द ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय स्टेट, एंड इट रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया, इट इज़ रिपोर्टली द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। सो इसलिए मेघालय हाई रेनफॉल के लिए फेमस है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अनाउंस द यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस इन J&K? J&K में यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस की घोषणा किसने की? सो रिसेंटली जो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, इन्होंने रिसेंटली यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च किया है इन जम्मू एंड कश्मीर। ये एक फ्री इंश्योरेंस पॉलिसी है फॉर ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और इसमें वो तमाम बेनिफिट्स दिए जाएंगे जो एक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दिए जाते हैं विद एन एनुअल हेल्थ इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹5 लाख पर फैमिली। और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ साथ अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यहाँ एक ग्रेवियंसिस को रीएड्रेस करने के लिए एक जम्मू एंड कश्मीर इंटीग्रेटेड ग्रेवियंस रीएड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम भी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। इसकी फुल फॉर्म JK EGRAMS, ये इसकी फुल फॉर्म। तो ये भी अभी इसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ साथ लॉन्च की गई। जम्मू कश्मीर की बात है तो मैप में ये है जम्मू एंड कश्मीर, ये यहाँ पे इतना ये है जम्मू एंड कश्मीर, और यहाँ से आगे ये है लद्दाख, और ये है रेड कलर अक्साई चीन जो इस वक्त चाइना के पास है, और ये ग्रीन कलर ये पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड जो अभी तक हमने करंट अफेयर्स पढ़े हैं उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। एक तो लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू अभी रिसेंटली ये गवर्नर बने हैं इन प्लेस ऑफ पहले यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू थे, सो वो यहाँ से उन्हें रिज़ाइन किया और वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बन गए उनकी जगह। अब रिसेंटली नए गवर्नर आए हैं, सेकेंड गवर्नर आए हैं,
मनोज सिन्हा। देन बायोडाइवर्सिटी काउंसिल टू डॉक्यूमेंट इट्स बायोडाइवर्सिटी, ये भी अभी रिसेंट लॉन्च किया गया। देन फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर चारू सिन्हा वाज अपॉइंटेड एज सीआरपीएफ इंस्पेक्टर जनरल। देन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ई ऑक्शन पोर्टल फॉर सैफ्रन, देन सैफ्रन को यहाँ जीआई टैग भी मिला था। देन गुपकार डिक्लेरेशन बाय जेएंडके पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी अभी रिसेंटली हुआ था। देन स्टेट यूनियन टेरेटरी अप्रूव्ड एससीईआरटी ऑन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी। देन यूनियन टेरेटरी द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर रिसेंटली नोटिफाइड न्यू रूल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। सो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ न्यू रूल्स रिसेंटली नोटिफाई किए गए थे। देन इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम भी लॉन्च की गई। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिसेंटली कश्मीरी, हिंदी और डोगरी ये ऐड की गई इन इंग्लिश एंड उर्दू। अब यहाँ 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। देन स्पैरो पोर्टल लॉन्च किया गया अभी रिसेंटली। देन चिन्हनी नाशरी टनल, इसका नाम बदल के श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल रखा गया। देन नव रिसेंटली लॉन्च द जम्मू एंड कश्मीर इंटीग्रेटेड ग्रेवियंस रीड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, और यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी अभी लॉन्च की गई इन जम्मू एंड कश्मीर। सो ये थे तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड तमाम करंट अफेयर्स जो अभी पिछले एक दो महीनों में हमने पढ़े जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड। सो इनको आप नोट करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली ऑन 9 सितंबर 2020 विच यूनिवर्सिटी हैज़ कम्प्लीटेड 100 ईयर्स। हाल ही में 9 सितंबर 2020 को किस विश्वविद्यालय ने 100 साल पूरे किए हैं। सो रिसेंटली AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रिसेंटली ऑन 9 सितंबर 2020 कम्प्लीटेड 100 ईयर्स। AMU से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। ये एक पब्लिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ में। ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद खान ने इसको एस्टेब्लिश किया था, और उस वक्त इसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन 1875। सबसे पहले एज ए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इसको एस्टेब्लिश किया गया था इन 1875, बट उसके बाद उसका नाम बदल कर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रखा गया ऑन 9 सितंबर 1920 में। सो 9 सितंबर 1920 में इसका नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रखा गया। सो इसलिए अब यहाँ इसके 100 साल पूरे हो गए हैं। देन फाउंडर इसके सर सैयद अहमद खान, चांसलर इसके मुफद्दल सैफुद्दीन एंड वाइस चांसलर इसके तारिक मंसूर। सो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स। अब देखते हैं, कल मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर देखते हैं। हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। हाल ही में राष्ट्रीय नाटक विद्यालय के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। सो परेश रावल हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तब मैंने आपसे पूछा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम कब अमेंड हुआ था। सो इट वाज अमेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1951, और अभी तक 104 अमेंडमेंट्स हुई है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अप टू जनवरी 2020 तक। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू, रिसेंटली हु वन द विश्व चैंपियनशिप टाइटल। हाल ही में जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता उनका नाम आपको बताना है। देन ये है 4 नेम्स, और इनमें से आपको बताना है कि विश्व चैंपियनशिप टाइटल किसने जीता है। देन आपको बताना है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। सो ये है क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू, इनका आंसर आपको करना है इन द कमेंट बॉक्स। सो इट्स एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स में और सोशल मीडिया में शेयर भी ज़रूर करें। नाइवर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।